الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور میرے علاقے شہر کے ضلع ہری پور کے اس علاقے بکا اور خاص کر اس محلے کا نام کیا ہے محلہ ناڑیاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو السلام علیکم. اشتہار پہ نظر پڑی دل خوش ہوا عظمت والدین کے عنوان سے عام رسمی تقریریں یا عنوانات تو آپ سنتے رہتے ہیں یہ بھی ایک اہم ترین عنوان ہے جس کی اتنی ضرورت ہے اور اہمیت ہے اس معاشرے کو کہ آج سے نہیں جب سے قرآن مقدس اترا ہے اس دور سے لے کر دیکھیے قرآن مقدس نے کتنی اہمیت دی ماں باپ کو. وجہ کیا ہے
कि ये माँ बाप इंसान के वजूद का जाहिरी सबब है। एक इंसान की वजूद के लिए हकीकी सबब और हकीकी पैदा करने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह की तख्लीक है। आप पैदा हुए तो अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन आपके वजूद के लिए जाहिरी सबब आपके माँ बाप बने। जितनी अहमियत है उतनी ही इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, घरों में देखो माँ बाप उनसे नाराज हैं। अच्छे भले नमाजी तहज्जुद गुजार देखे हैं, माँ बाप उनसे सर पिट रहे हैं। अच्छे खासे लोगों को देखा, दूसरों को लेक्चर देने वाले, दूसरों को नसीहतें करने वाले, उनसे उनके माँ बाप गिले और शिकवे कर रहे हैं। वजह क्या है? हमने उनको दीनी नजर से देखा नहीं कि इस्लाम ने माँ बाप को कितनी कदर व कीमत और अजमत अता की है। मेरे दोस्तों, नाराज ना हो ना मेरी इन बातों से। इस मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। इस मुआशरे में जवानों जरा गौर करना, हम अपने मुतअल्लिकीन, जिन जिन के साथ रिश्ते हैं, ताल्लुक है, कुछ न कुछ लगाओ, या जिन जिन लोगों को हम वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, उनमें से माँ बाप वो हस्ती हैं कि जिनमें जिनको हम सबसे कम टाइम देते हैं। सबसे थोड़ा वक्त किसको दिया जा रहा है? माँ बाप को। देख लो जाके मुआशरे, कई माँ बाप बेटे के फोन के लिए तरस जाते हैं कि बेटा फोन करेगा। दोस्तों से तो घंटों फोन पे बात करता है, बीवी से तो हर घंटे बाद बात होती है फोन पर, नहीं बजता, माँ बाप फोन देखते ही रह जाते हैं और ये उनको पूछता तक नहीं। ये हमारा मुआशरा है। और वो बेचारे न गिला कर सकते हैं, न शिकवा कर सकते हैं, किसके सामने रोएं? बस बैठे रहते हैं मजलूम। आइए जवानों, कि अल्लाह का कुरान मां बाप के बारे में क्या कहता है, आंखें खुल जाएंगी इंशाल्लाह। मैं कुरान भी सुनाऊंगा और नबी का फरमान भी सुनाऊंगा, मेरी आदत है, मैं कुरान का तालिबुल इल्म हूं, तो मैं कुरान सुनाऊंगा और कुरान की तफसीर के लिए, तशरीह के लिए नबी अकरम शफी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, दिल का बर्तन सीधा कीजिए, कुरान क्या कहता है। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ तेरे रब ने ताकीदी हुक्म दिया है। वो हुक्म क्या दिया है, वो फैसला क्या है? मुफस्सिरीन ने माना किया, वकज़ा रब्बू का, ऐ हमारा रब्बू का, तेरे रब ने हुक्म दिया है, फैसला सुनाया है, उसकी अदालत का फैसला क्या है? फरमाया अल्लाह ताबुदू
इलाइया के बंदगी ना करो इबादत ना करो इल्लाइया हो मगर उसी की तुम्हारी इबादत और बंदगी अगर करनी है तुमने तो किसकी करनी है। जोर से बोले इबादत किसकी? अल्लाह ही की करनी है। ये पहला हुक्म अल्लाह ने अपनी इबादत तौहीद का दिया और उसके फौरन बाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना। अहमियत को गौर से सुने ना, सबसे पहला तौहीद का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म क्यों दिया है? कोई रबत जोड़ तो होना चाहिए ना। इमाम कुर्तबी रहे मौल्ला, इमाम राजी रहे मौल्ला, दीगर कई मुफस्सिरीन रब्त बयान करते हैं कि कजा रब्बु का अल्ला ताबुदु इल्ला इयाहु वबिल वालिदैन इहसाना का रब तुर जोड़ क्या है कि पहले तौहीद फिर आगे फौरन माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। एक मुफस्सिर कहते हैं तौहीद के साथ जोड़ने में एक राज ये है कि बंदगी के लायक तेरा खालिक तेरा मालिक भी एक है और पैदाइश का जाहिरी सबब भी इंसान के लिए बाप माँ एक होते हैं। बाप भी क्या होता है? एक ही होता है बंदा जिससे पैदा होता है जिससे नसब चलती है। अल्लाह या बाज ये भी फरमाते हैं कि अल्लाह ने तौहीद के साथ अपने हक के साथ माँ बाप का हक इसलिए मिलाया है कि अल्लाह फरमाते हैं तेरी वजूद तेरी पैदाइश का हकीकी सबब तो मेरी तखलीक है और मजाजी और जाहिरी सबब तेरे माँ बाप है। या यूं समझ लीजिए तीसरा रब्त ये भी है कजा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इया के इंसान जितना भी रब की बंदगी में कोताहियां करता है इसके बावजूद भी रब अपनी रहमत बंद नहीं करता। ऐसा है रब की बंदगी इबादत में जितनी भी कोताहियां कर ले रब अपनी रहमत बंद नहीं करता। और अल्लाह के बाद मखलूक में माँ बाप का भी ये हाल है कि आप जितनी भी नाफरमानी कर लें वो अपनी मोहब्बत और शफकतें आप पर बंद नहीं करते। ऐसा है कि नहीं? जितना भी नाफरमान हो फिर भी माँ बाप के दिल में एक रहमत होती। जरा देखिए मैं मिसाल देता हूं। नूह अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह के जलील उल कदर पैगंबर हैं, साहिबे शरीयत हैं, साहिबे रिसालत पैगंबर हैं, अल्लाह की तौहीद सुनाई। एक साल दो नहीं 950 साल सिर्फ यही पैगाम सुनाया या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ओ मेरी कौम उबुदुल्लाह अल्लाह की बंदगी करो उस अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हाजत रवाओ इलाह नहीं है। सारा अरसा 950 साल इसी पैगाम पे लगाते हैं लेकिन चंद लोग मानते हैं। उन बेटों में से एक बेटे का नाम है आम साम याफिस और चौथे का नाम है किनान। चौथे बेटे का नाम क्या है? तीन बेटे बाप का मसला मान गए, कश्ती में सवार हो गए और एक बेटा बागी है बाप का मसला नहीं मान रहा। और भी जो मानने वाले थे उनको बिठाया, मुफस्सिरीन कहते हैं कोई 70 कोई 80 82 तक जो तादाद है बिठा ली। जानवर सवार हो गए
शेर चीता हैवानात सवार कर लिए जोड़ा जोड़ा ताकि उनकी नस्ल बाकी रह जाए। और फिर ऐलान किया, कुरान कहता है तनूर से भी पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान ऊपर से बरसना शुरू हो गया, जमीन से पानी उबलना शुरू हो गया और ऐसा तूफान बरपा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ की तरह मोजों से टकराती हुई जा रही है और नूह अलैहिस्सलाम का सक्का बेटा किनारे पे भागा जा रहा है। फरमाया या बुनैया अरकब माना, लोग तो और भी बहुत थे लेकिन पुकार किसको रहे हैं, नाफरमान भी है, दर्द होता है कि नहीं होता। या बुनैया अरकब माना, ओ मेरा बेटा, ओ मेरे लखते जिगर, आजा सवार हो जा, आज सारे गर्क हो जाएंगे। तो वो कहता है साआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पनाह हासिल करूंगा, पहाड़ की बुलंद चोटियों पे चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ की बुलंदी मुझे पानी में गर्क होने से बचा लेगी। अल्लाहु अकबर। फरमाया बेटा ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह इल्ला मर रहिम, फरमाया ला आसिमल यौम, नाड़ियां वालों मेरी आदत नहीं कि सिर्फ तिलावत पे जोर देता रहूं पढ़ता रहूं, मैं मना करता हूं आयत का ताकि आपको ये एहसास हो कि मैं कुरान से बात कर रहा हूं और उसका तर्जमा करता हूं। नूह अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं, बोलो नबी रसूल है, तीन बेटे, बाकी फरमा बरदार सवार हैं साथ, एक नाफरमान बेटे को आवाज दे कि क्या कहते हैं, आजा सवार हो जा, बेटा कहता है पहाड़ की बुलंदी मुझे पानी में गर्क होने से बचा लेगी, चोटियों पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का पैगंबर कहता है ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाह, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला, अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। यानी बतला दिया कि ओ मेरा बेटा, अगर अल्लाह पकड़े तो मैं रसूल हो के भी तुझे छोड़ा सकता, क्योंकि बचाने वाला कौन है, मुसीबतों में बेड़े पार लगाने वाला कौन है। ये रब की पहचान भी तो कीजिए साथ, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, मुझे तो हैरत होती है लोगों पर, कुरान के अंदर ये सारा कुछ होने के बावजूद भी। मैं आपको अपने इलाके की बात सुनाऊं, जहां मैं दर्स देता था वहां एक पीर साहब थे, ना वो खुद नमाज पढ़ते थे ना मुरीद पढ़ते थे, सारे बख्शे बख्शाए हुए, तो उनमें से अगर कोई फौत हो जाता तो उसके पास आते, मैं उसी जगह दर्स देता था माले में, तो आप कहते हजरत आपका मुरीद फौत हो गया, तो ये क्यों कहते थे, कहते जी को रुका लिख के दो, तो वो रुका लिख कर देता ऊपर से, कहता फरिश्तो इसे कुछ ना आखियो, आपड़ा आदमी है, फरिश्तो इसको कुछ ना कहना, ये मेरा, इतनी पावर, इतना जोर, ये मेरा। जब कुरान नहीं समझोगे मेरे दोस्तों, फिर ऐसी चीजों पर ईमान रखोगे, कुरान समझोगे तो आपके 14 तबक रोशन होंगे कि अल्लाह का पैगंबर है, रसूल है, सामने बेटा है, उसको क्या कहते हैं, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, ओ मेरा लखते जिगर सुन ले, तेरी रगों में मेरा खून दौड़ता है, लेकिन सुन ले बचाने वाला फिर भी कौन है। जो अल्लाह को मानते हैं वो बोलो कौन बचाने वाला, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह,
कोई बचाने वाले नहीं है मेरा बेटा, बस गुफ्तगू जारी है बाप बेटे की। फहाला बैनहुम अलमौजू फकान मिन अलमुग़रकीन, बस देर नहीं लगी मौज हायल हो गई और उधर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान गर्क हो गया। क्या हो गया? फकान मिन अलमुग़रकीन, एक ही मौज से रब ने गर्क कर दिया। बात कर रहा था कि बेटा जितना भी नाफरमान होता है, माँ बाप के दिल में फिर भी क्या होती है, शफकत मना नहीं की जाती, नहीं रोकी जाती। तो नूह अलैहिस्सलाम बेटा गर्क होने के साथ ही रब की बारगाह में कहते हैं, मेरे रब्बा तूने मुझे कहा था अल्लाह कि तेरे अहलो अयाल को बचाऊंगा, और वह इन्ना इब्नी मिन अहली, और मेरा बेटा मेरे अहल में से है। अल्लाह बेटा अहल में से ना हो तो फिर कौन है? अल्लाह इन्नबनी मिन अहली, मेरे अहल में से है। तो जवाब क्या आया? फरमाया इन्नहु लैस मिन अहलिका, ये नहीं फरमाया कि बेटा नहीं है, बेटा है इसमें शक ही कोई नहीं, लेकिन अहल क्यों? कि नबियों की अहल चलती है फरमा बरदारी से। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मुत्तकी मेरा अहल है, कुल्लु तकीयन व नकीयन फहुआ अहली। कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिका, मेरा नूह ये तेरे अहल में से नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसका अमल सालिह नहीं है, इसका अमल सालिह नहीं है। खैर तो बात कर रहा था कि माँ बाप औलाद के हक में आखिरी दम तक जाते हैं, शफकत मेहरबानी मोहब्बत मना नहीं करते, और रब भी अपने बंदों पे अपनी मेहरबानियां मना नहीं करता। फरमाया वकाजा रब्बो का अल्लाह तअबुदू इल्ला इया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान कीजिए जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। सुनने वालों, रब ने कुरान में वालिदैन के साथ अदल का हुक्म नहीं दिया। किसका हुक्म नहीं दिया? अदल का नहीं। किसका हुक्म दिया? फर्क क्या है अदल और एहसान में? फर्क यह है, अदल कहते हैं बराबरी को। किसको? बराबरी को। यानी जितना उन्होंने तेरे साथ किया है तू उतना उनके साथ अच्छाई कर, यह है अदल। लेकिन रब ने फरमाया अदल का तो हुक्म है ही नहीं, बल्कि हुक्म किससे है? एहसान। और एहसान किसको कहते हैं? कि उसकी अच्छाई से तू ज्यादा कर, उसकी अच्छाई से। अब सारी दुनिया लगी रहे तो अदल नहीं कर सकती, रब के माँ बाप के बराबर भी एहसान नहीं कर सकती, बदला नहीं दे सकती, तो ऊपर क्या करेगी? इशारा कर दिया हुक्म तुझे एहसान का है, यानी तू जितना भी मर्जी है टिल लगा ले माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि जी माँ बाप पर जी मेरा एहसान उसके ऊपर चढ़ गया, अबू पे माँ बाप पे मेरा एहसान आ गया, मैंने तो ज्यादा कर दिया बस अब जाए। नहीं, सारी जिंदगी लगा रहे वबिल वालिदैन इहसाना। अब एहसान, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इस आयत को लिखते हैं और कमाल की गुफ्तगू में कई सफे भर देते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह दीगर मुफस्सिरीन, माँ बाप के साथ एहसान कीजिए, उनके साथ हुस्ने सुलूक कीजिए। माँ बाप का हक ये है कि जान माल के साथ उनकी ताबेदारी की जाए, उनके सामने सख्त लहजे में गुफ्तगू न की जाए, उनको बुरा भला उफ तक भी न कहा जाए, और जिंदगी में सारी जिंदगी उनकी खिदमत की जाए, उन पे जान उन पे माल निसार किया जाए,
उनके दोस्तों का भी लिहाज किया जाए, उनकी वफात के बाद भी उनके भाइयों का, उनके दोस्तों का और उनके साथियों का भी ख्याल और इज्जत करनी चाहिए। फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर तेरे माँ बाप में से कोई एक या दोनों तेरी मौजूदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए, खिदमत तो माँ बाप जवान सेहतमंद हो तब भी करनी है। माँ बाप अगरचे वो आपसे भी सेहत में अच्छे हैं, खिदमत तो तब भी करनी है, लेकिन खास तौर पर जब वो बूढ़े हो जाएं। आपको पता है बुढ़ापा ऐसी चीज है कि दुनिया में इसका कोई इलाज है, मौत और बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। जो मर्जी है कर लो, बादशाह जो मर्जी है रुकावटें खड़ी करे, बुढ़ापा ऐसे आके बदन पे छा जाता है बंदे को समझ ही नहीं आती ये क्या से क्या हो गया। और खासकर जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हड्डियों के ढांचे बन जाएं और आपकी शफकत का इंतजार करें, तो उस वक्त खास ख्याल करना है। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़िन, उफ़ भी ना कहना। आप कहेंगे ये उफ क्या चीज है? उफ का माना उर्दू में हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने किया है, फला तकुल लहुमा उफ़िन, हूं भी ना करना। क्या? जिस तरह आपको पता है माँ बाप बेटे को समझाते हैं तो बेटा और कुछ भी ना कहे तो मुंह फेर के ये हूं भी नहीं करना, उसे नागवारी से। मुफस्सिरीन कहते हैं अगर नागवारी का कोई दर्जा इससे भी नीचे होता तो रब उसको भी हराम कर देता। अल्लाहु अकबर। फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तन्हरहुमा, उनको झिड़कना भी नहीं है, खासकर जब वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाए, जब बच्चों वाली आदतें उनमें आ जाएं, जब माँ बाप बुढ़ापे की वजह से रूठने लग जाएं, दिन में तीन तीन दफा भी बूढ़े रूठ जाते हैं, कभी माँ बूढ़ी होती है रूठ के खाना नहीं खाती, रूठ जाते हैं, माँ बाप बात नहीं करते नाराज हो जाते हैं, तो अगर वो जिद्दी हो जाएं, रूठ जाया करें, उफ भी ना कहा कर और उनको झिड़का भी ना कर, क्यों तुझे याद दिलाई जा रही है माजी के हो इंसाना, जब तू बच्चा था तो आप अपने बच्चों को भी देख लिया करें, बेटा बेटी माँ से कभी कभी एक एक बात दो दो तीन तीन चार चार मर्तबा बीसियों मर्तबा पूछते हैं, माँ बाप झिड़कते नहीं है। छोटा बच्चा है, किसी ने उठाया, उन्हें कहा अबू ये क्या है? उन्हें कहा बेटा ये कौवा है। क्या है? थोड़ी देर गुजरी फिर कहा अबू जी ये क्या है दरख्त पे? उन्हें कहा बेटा कौवा है। बार बार वो पूछ रहा है, बाप प्यार से कहता है बेटा ये एक परिंदा है सिया रंग का, इसका नाम कौवा है। थोड़ी देर गुजरती बच्चा जो हुआ फिर पूछता है क्या है। अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ बूढ़ा हुआ, बाप उसको लेकर गया उसी जगह खड़ा किया, वहां कौवा फिर आया, कहा बेटा ये क्या है? कहा अबू जी ये कौवा बैठा हुआ है, परिंदा बैठा हुआ है। फिर पूछा ओ पुत्रा ये के वे? बेटा ये क्या है? कहा अब्बा जी कौवा जब तीसरी मरतबा का तो बेटे का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ने कहा अब्बा जी अन्न है, नजर नहीं आता ये कौवा है, इतनी उम्र गुजारी कौवा नहीं जानते हो? फर्क देखा है कि नहीं देखा? फरमाया फला तन्हर होमा वला तन्हर होमा, झिड़कना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, ओ मेरे रब्बा हाय अल्लाह मना कर दिया, उफ भी नहीं कहना झिड़कना भी नहीं, फिर कैसे अंदाज में बात करनी है?
उस कायनात के रब ने कितना प्यारा अंदाज बताया बोलने का, फरमाया कुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से नरमी से बात कर, किससे करीमा, माना इसका जितना नरम हो सके, मीठे धीमे शफकत प्यार भरे नरम लहजे में उनसे बात कर, कितनी नरम, जितनी करीम नरम होती है उतनी नरम। नहीं समझा मेरा दोस्त, अब भी ना समझो, फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा वखफिज लहुमा जनाह अज़्ज़ुल मिनर रहमा। इस बलागत को देखो कुरान करीम की, वखफिज लहुमा जनाह अज़्ज़ुल मिनर रहमा, और झुकाए रख इनके लिए जनाह अज़्ज़ुल, अल्लाह जनाह अज़्ज़ुल आजिज़ी तवाज़ो के पर, बाजू नहीं का, हालांकि लुगत कुरान में बाजू का लफ्ज भी है, अरबी में आता है, तो फिर बाजू का लफ्ज छोड़ के क्या कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, पर, जनाहैन परों को कहते हैं, दो पर, तो ये पर क्यों कहा, आखिर कोई कमाल तो है इस जुमले में, उस कमाल को समझो और माँ बाप की अजमत समझ में आएगी। फरमाया वाफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल, ओ मेरा बंदा बात भी नरम कर, तेरे सीने में ताकत, तेरे बाजुओं में ताकत, लेकिन बाजू बाजू नहीं रहने चाहिए, बल्कि बाजू पर बन जाने चाहिए। नहीं समझा, बाजू माँ बाप के सामने बाजू ना रहे, क्या बन जाए, पर बन जाए। अब आप कहेंगे पर में क्या कमाल है, पर में ये कमाल है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं परिंदा मुर्गी जब अपने चूजे और बच्चों को मोहब्बत और शफकत निछावर करती है तो उन पे अपने परों को फैला लेती है, और जो ही पर उन पे शफकत से फैला के उनको अपनी आगोश और परों में प्यार से ले लेती है। अब तेरे माँ बाप भी कमजोर हो के मिसल बच्चे के हो गए, आज जोर न दिखा, बल्कि अपनी शफकत और मोहब्बत वाले पर इन पे निछावर कर दे, प्यार के पर इन पे बिछा दे। कितना प्यार दिया है माँ बाप, लेकिन ये वही समझेगा जो कुरान के पास रहेगा, सारी जिंदगी कुरान से दूर रहेगा तो कहेगा माँ बाप बूढ़े हो गए, इनको कौन से सेंटर ले जाओ, हाँ ओल्ड सेंटर ले जाओ, ठीक है ना, फिर ईद वाले दिन कहीं जाके मिल आना, या कोई फुर्सत महीने दो बाद हो जाके देख आना, ठीक ठाक है, चलो हैं, हम तो यही जानते हैं लोग, ना मेरा दोस्त। फरमाया वखफिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, लेकिन ये पर फैला, साथ साथ ये भी बता दिया, ये नहीं कि दिल से नागवारी के इजहार कर, नहीं, मिनर रहमा, हद कर दिए ताकीदात की, शफकत की वजह से, मोहब्बत की वजह से, मेहरबानी की वजह से, हाँ। फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इसी पे बस नहीं की, उस मालिक के कायनात ने माँ बाप का हक बतलाते हुए फरमाया ओ मेरा बंदा मोहब्बतें शफकतें प्यार खिदमत नरम ले जा, धीमा ले जा अपनी जगह, इसी पे बस नहीं, तन्हाइयों में मेरी बारगाह में अपने माँ बाप के लिए दुआएं भी किया कर। कितना सिफारिशी है अल्लाह आपके माँ बाप का, अल्लाह फरमाते हैं मुझसे दुआ कर तो अपने माँ बाप के लिए, वकुर रब्बिरहमहुमा, और क्या है मेरे रब्बा इरहमहुमा, इन दोनों पर रहमतों का नुजूल कर, मेहरबानियां कर, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह उन्होंने मेरी परवरिश की तरबियत की
बचपने में। कमाल की बात है, दुआ में भी आपको आपका बचपना याद दिलाया है ताकि वो तुझे भूल ना जाए कि जी मैं तो अफसर बन गया हूं। बेटा अफसर बना था ना, तू कोई आला ओहदे पे फायज हुआ, दो चार सिक्योरिटी वाले आगे पीछे दाएं बाएं नौकर चाकर मुलाजिम। बाप कई जमाने बाद चला गया, बूढ़ा सा बाप था। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है फिर कपड़े भी इस्त्री नहीं करता, टोपी भी बस पुरानी सी पहन लेता है, ठीक है ना, वही जैसे लिबास मिल जाए, कौन पूरे फैशन तो नहीं करते। बेटे के पास गया, अब बेटा भी नमाज के लिए जाता है तो बाप भी जा रहा है आ रहा है। तो तीन दिन गुजरे तो किसी ने पूछा, सर जी ये बाबा तीन दिन हो गए आ रहा है जा रहा है आपके, सर ये कौन है? कहा अब मैं कैसे बताऊं ये कौन है। आहिस्ते से कहा, जी ये साढ़े घर नौकर है, ये हमारे घर में क्या है। तो बाप भी उसका कोई दलेरी था, उसने कान से सुन ली। जब सुनी ने कहा, हाँ बेटा ये ठीक कहता, मैं इसी मऊ का नौकर हूं, हाँ इसकी माँ का नौकर हूं, कमाया खिलाया और अब मुझे ये हैसियत। मेरा दोस्त, माँ बाप तो फखर है, आपका नाज है। इंसान नाज देखता है तो माँ बाप पे देखता है। पता है माँ बाप जिंदा होते हैं तो बंदा अपने आप को बच्चा ही समझता है, ऐसा है कि चाहे जितनी भी उम्र हो, जितनी भी उम्र हो, घर पहुंचता है तो बाप माँ कहते हैं बेटा पुत्र। उस वक्त इंसान कहता है यार मैं तो बच्चा हूं। और जिस दिन यह साया हटता है उस दिन पता चलता है कि क्या था यह माँ बाप, क्या चीज है, क्या हस्ती है। फरमाया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दिल में भी अगर तूने माँ बाप को बुरा जाना, नफरत की जाहिर में तो लगा हुआ है लेकिन दिल में क्या करता है वो पता नहीं, बस माँ बाप है मथे लगे हुए हैं, अब क्या करूं। जब ये करेगा तो कुरान ने साथ साथ कह दिया, फरमाया रब्बुकुम अअलम बिमा फी नुफूसिकुम। रब खूब जानता है वो कुछ जो तुम्हारे दिलों में है जी, रब खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। दिल में भी नागवारी का इजहार नहीं करना, दिल में भी नफरत नहीं आनी चाहिए। ये मेरे सामने रब का कुरान है, दूसरा मकाम पढ़ने लगा हूं, 21वां पारा और सूरत का नाम है सूरत लुकमान, आयत नंबर 14। रब का कुरान कहता है ववसैनल इंसान बिवालिदैही, उधर फरमाया कजा, इधर क्या फरमाया وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, हमने ताकीदी हुक्म यानी वसीयत की है इंसान को भी वालिदैही, उसके वालिदैन के मुतालिक हुक्म दोनों के मुतालिक किया। और तफसील आगे माँ के हक की कर दी, हुक्म दोनों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छाई का, लेकिन तफसील में किसका जिक्र कर दिया। असल में माँ कमजोर होती है, माँ औरत है ना। तो फरमाया हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, इसको उठाया माँ ने वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करके। क्या बर्दाश्त करके? कमजोरी पर कमजोरी बर्दाश्त करके। जो जो तू पेट में बढ़ता गया माँ कमजोर होती गई, जो जो बच्चा बढ़ता है पेट में माँ उतनी उतनी कमजोरी होती जाती है माँ को। वहनन अला वहनिन, फिर फरमाया वफिसालुहु फी आमैन, फिर इसका दूध छोड़ाना 2 सालों में, 2 साल तक तुझे जिगर का खून दूध की सूरत में तुझे पिलाती रही है। फरमाया अनिश्कुरली, अल्लाह फरमाते मेरा शुक्र अदा कर, वली वालिदई का, और किसका, वालिदैन का शुक्र अदा कर। इलैयल मसीर,
मेरी तरफ ही पलट के आना है, तुम्हारा लौटना मेरी तरफ है, उसी की तरफ चलना है। हाँ याद रखना, माँ बाप की बात मान, लेकिन रब फरमाते वह इन जाहदा का अला अंतुशरिक भी मालिस लका बिही इल्मुन फला तुतिउहुमा। अगर माँ बाप तुझे मजबूर करें, झगड़े, जोर दे तुझे इस बात पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ठहरा, अगर माँ बाप तुझे किस पे मजबूर करें, कुफर पर, शिर्क पर मजबूर करें, तो फिर क्या करना है? फरमाया फला तुतिउहुमा। अब उनकी ये वाली बात सिर्फ याद रखना, ये बात ना मानना। अच्छा, अगर शिर्क पे मजबूर करें तो ये बात ना मानना, उठा के सर पे पत्थर मार देना, नहीं नहीं। फरमाया वसाहिबुहुमा फिद्दुनिया मारूफा, दुनियावी उमूर, दुनियावी जिंदगी में फिर भी उनके साथ दस्तूर के मुताबिक शफकत और रहमत वाली जिंदगी गुजारते रहना। दुनिया में फिर भी उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। हाँ, ये बात उनकी, दीन के खिलाफ उनकी बात नहीं माननी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आ जाएं तो उनकी वो इताअत नहीं करनी। जरा मैं एक कदम आगे चलता हूँ, ये मेरे सामने रब का कुरान है और सूरत का नाम है सूरतुल अहकाफ, 26वां पारा है। कितना? 26वां पारा है। ये तो अभी कुरान पढ़ रहा हूँ, अहादीस की तरफ भी आऊंगा इंशाल्लाह, झूम जाओगे। फरमाया वَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ आयत नंबर 15, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, हमने वसीयत की इंसान को, بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, किस बात की? वालिदैन के साथ एहसान, हुस्ने सुलूक करने की वसीयत की है। क्यों? حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, उसकी माँ ने उसको उठाया कुर्हा, तकलीफ उठाकर, وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, उसकी माँ ने उसको जना है कुर्हा, तकलीफ और दुख उठा के, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, इसका उठाना और इसका दूध छोड़ाना, 30 شَهْرًا, 30 महीने। कितने महीने? पेट में उठाया, गोद में उठाया, दूध पिलाया, कितने महीने? 30 महीने। अच्छा, अब इस तरह गौर कीजिए, इधर भी माँ बाप को जिक्र किया, फिर साथ फौरन तफसील में किसका जिक्र कर दिया? माँ का। फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा। 3 दर्जे जिक्र किए तकलीफ के, पेट में उठाना तकलीफ, कमजोरी, फिर जनने की तकलीफ, विलादत की तकलीफ बच्चे को, बल्कि ये तो मौत और हयात की कश्मकश होती है, एक इंसान से इंसान पैदा होना, वो तकलीफ, और तीसरी दूध पिलाना। अब जब ये 3 तकलीफें कुर्बान जाऊं मुअल्लिम कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मन अहक्कुन नास बिहुस्ने सहाबती। एक रिवायत में लफ्ज है मन अहक्कुन नास बिहुस्ने सहाबती, और एक रिवायत में आता है मन अहक्कुन नास बिस्सुहबा, बिहुस्ने सुहबा। फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए मेरी अच्छाई, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सुनना गवारा करोगे नाड़ियों वालों? जी, थके तो नहीं है ना? मुझे कोई साथियों ने कान में कहा, जी
घंटा, किसी ने कहा जी डेढ़ घंटा, एक तीसरे ने बीच में कहा कम अज कम दो घंटे तो हों। मैंने कहा आपने तो इतना छोटा सा कर दिया, दो घंटे तो हों, ठीक है ना, बात चाहे एक घंटा हो पौना घंटा हो, लेकिन बात काम की है, पूरी जिंदगी में काम देगी। फरमाया मन अहकुन्ना से बेहुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? नबी करीम ने फरमाया उम्मुका तेरी माँ। कौन है? सहाबी ने फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है? फरमाया उम्मुका तेरी माँ। तीसरी मर्तबा फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है? फरमाया उम्मुका तेरी माँ। चौथी मर्तबा जब पूछा फरमाया फिर कौन है? फरमाया अबू का तेरा बाप। माँ के लिए कितनी दफा फरमाया और चौथे नंबर पे किसको जिक्र किया? वजह क्या है? वजह ये है कि माँ ने तकलीफ ज्यादा उठाई है, पेट में उठाने की तकलीफ, विलादत जननी की तकलीफ, दूध पिलाने की तकलीफ, जब ये तीन तकलीफ दे मरहले उसने उठाए तो कुरान करीम के मुफस्सिर मुअल्लिम ने भी माँ को मकाम देते हुए कितनी दफा फरमाया कि हकदार कौन है? माँ है। अच्छा एक और हदीस सुन लीजिए, क्या याद रखोगे? अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सहाबी आए, मजलिस लगी हुई है, सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। फरमाया अल्लाह के महबूब अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। पैसे नहीं लग देते, आग सटो सुभान अल्लाह। मन फरमाया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के हबीब आमाल में से सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह के हाँ कौन सा है? अब भी नहीं सुनेगा कोई अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु अला वक्तहा, नमाज अपने वक्त पे पढ़ना ये अल्लाह को बहुत महबूब अमल है। क्या बात है, नमाज को वक्त पे पढ़ना महबूब अमल है। खामखा बंदा टाल मटोल करता रहे, गप्पे हांगता रहे, नमाज कजा होते होते बिल्कुल आखिरी नमाज कजा होने का टाइम हो, ओहो जल्दी जल्दी से छींटे मुंह पे मारी और आके मुर्गी की तरह चोंच मारी और ये भी कोई नमाज? महबूब अमल कौन सा है? नमाज अपने वक्त पे। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा फरमाया इसके बाद कौन सा है? फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेकी करते रहना ये अल्लाह के हाँ महबूब अमल है। अल्लाह अकबर, वालिदैन के साथ नेकी करो, रब को ये अमल बहुत महबूब है। जब अमल महबूब है तो वो अमल करने वाला बंदा भी क्या हो जाता है? महबूब हो जाता है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पूछा फरमाया इसके बाद कौन सा अमल महबूब है? फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना ये अल्लाह को बहुत महबूब है। ये बहुत महबूब है जो मुसलमानों ने छोड़ दिया है। अगर मुसलमान इस फरीजे को ना छोड़ते तो आज मुट्ठी भर यहूदी, गिनती के यहूदी हैं मुट्ठी भर, आज अरबों मुसलमानों को
गाजर और मूली की तरह ना काटते हैं। अगर मुसलमान इस फरीजे को ना तर्क करते, मेरे दोस्तों पता है मुजाहिद जब अल्लाह की राह में लड़ता है उसका खून जमीन पे बाद में गिरता है, जन्नत का महल अल्लाह उसे पहले दिखा देता है। और आपको पता है मौत की सख्ती हर बंदे पर आती है, तकलीफ, शहीद को अल्लाह ये तकलीफ से महरूम, अल्लाह बचा देता है। मौत की सख्ती तकलीफ से अल्लाह शहीद को बचा लेता है। हर इंसान मैदान महशर में आएगा, उसके आने का अंदाज अलग होगा। काश कोई खुंडी होवे, मैं तो समझावा, ऐसा किसी बाबे के पास होता तो मैं आपको समझाता, लेकिन पता है लोग महशर में आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गाजी मुजाहिद शहीद जब आएगा तो कैसे आएगा, फरमाया अपना असलहा कांधे पे रख के ऐसे हाथ डाल के आएगा, पूरा महशर देखेगा। अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमाए। मेरे दोस्तों फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना, यह अमल अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। आपको एक अजीब वाक्या सुनाऊं अबू दाऊद का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मसरूफ है, अमल है, सहाबा किराम का काफी मजमा आपके साथ है। इतने में खातून आई, जैसे ही खातून आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। जब आप खड़े हो गए फौरन कांधे से चादर उतारी, चादर नीचे बिछा दी और कदम आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया और अपनी चादर पे उन्हें बिठा लिया। सहाबा मंजर देख के हैरान है कि कौन सी खुश नसीब औरत है कि सरकारे अंबिया सरदारे अंबिया उठते हैं और अपनी चादर बिछाते हैं, उन्हें बिठाते हैं। अल्लाह जाने कौन है, पूछ लिया, फरमाया अल्लाह के हबीब ये कौन है कि नबूवत ने अपनी चादर उनके लिए बिछाई। फरमाया मेरे सहाबा ये मेरी वो माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। कौन सी माँ है, उनसे पैदा नहीं हुए, क्योंकि जिनसे पैदा हुए वो तो 6 साल की उम्र में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी, वो फौत हो गई। सिर्फ दूध पिलाया, उस माँ का इतना मकाम और इतना एहतराम कि नबियों की के सरदार अपनी चादर बिछाते हैं। तो अगर रजाई माँ का ये मकाम है तो हकीकी माँ का क्या मकाम होगा। आओ मेरे दोस्तों, अगर माएं जिंदा हैं कदर करो, जाओ ये शफकतें, ये प्यार, ये मोहब्बतें समेटो, ये वक्त है। जब ये नहीं रहेंगे फिर जाके कब्र पे संगे मरमर फूल वाले चढ़ाने से क्या हास है जी। जितना मटेरियल तुम मौलवियों को बाद में खिलाते हो ना, फल और देगें, ये अगर जिंदा माँ बाप की खिदमत पे लगा दो तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, क्या ख्याल है। लेकिन अजीब लोग हैं, लोगों का मिजाज ही अजीब बन चुका है। आइए मेरे दोस्त, मां बाप की कदर जानिए। आपको अंबिया का तज़किरा, मैंने नूह अलैहि सलाम का तो जिक्र किया, अब जरा मां बाप की के तज़किरे आपको सुना दूं, हैरान रह जाओगे। बाप काफिर है, बुत परस्त है और बुत फरोश है। इब्राहीम अलैह सलाम के वालिद को देख लिए, आजर को, लेकिन बेटा देखिए पैगंबर है और अल्लाह का खलील है। बाप अल्लाह का दुश्मन है लेकिन बाप है। बाप जब गुफ्तगू करता है उसकी गुफ्तगू देख लीजिए और बेटे का एहतराम देख लीजिए। आप अल्फाज पे गौर कीजिए, या अबते
या अभी नहीं कहा मेरे अब्बा, नहीं नहीं, या अब्बा तैयता हद दर्जा अदब और एहतराम और मुबालगे की, मेरे प्यारे बाबा जान, इतना एहतराम किया, क्यों उनकी इबादत में लगे हो जो ना सुनते हैं ना जवाब देते हैं ना तुझे कोई फायदा पहुंचा सकते हैं ना तेरी हालत बदल सकते हैं, जरा एक कदम आगे चलिए, समझाई समझाई तो ही। तो बाप जलाल में आगे क्या कहता है, या इब्राहिम, ओ मेरा बेटा भी नहीं कहा, क्या कहा, इब्राहिम नाम लिया क्या, लम तंतहि लअर्जुमन्नका वहजुरनी बलिया, अगर तू बाज ना आया मैं तुझे संसार कर दूंगा और छोड़ दे मुझे लंबा जमाना, निकल जा मेरे घर से, संसार कर दूंगा, पत्थर मार मार के खत्म कर दूंगा। अब जब इतनी धमकी, कत्ल की धमकी, घर से निकाल रहा है, बाप भी काफिर है, लेकिन बेटा क्या कहता है, कहता है सलामुन अलैक, अल्लाह क्या कह रहा बेटा, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहू का नबी हफिया, अल्लाह अकबर। अब्बा मेरी और तेरी जुदाई, मेरी तरफ से फिर भी बात सलामती की है, सलाम बमाने मुतारकत के है, अब्बा मैं जा रहा हूं, लेकिन कितना प्यारा जुमला का अब्बा फिर भी तेरे लिए रब से बख्शिश की दुआ मांगता रहूंगा। ये काफिर बाप के साथ गुफ्तगू का तरीका है, तो अगर बाप मोमिन हो मुसलमान हो तो उसका हक कितना होगा, उसके साथ बोलने का क्या तरीका होगा, कहां जा रही है ये कौम, हम कहां जा रहे हैं। हां किसी के जहन में ये बात आए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप के लिए दुआ की तो वो काफिर थे, तो क्या काफिर के लिए दुआ, उसका जवाब मैंने नहीं, कुरान ने खुद दिया है सूरत तौबा के आखिर में कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ने बता दिया कि अब आपका बाप मेरा दुश्मन है, इसको हिदायत नहीं मिलेगी, तो फिर तबर्रा मिन्हु इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप से क्या हो गए, बेजार हो गए, क्योंकि काफिर के लिए दुआए मगफिरत नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों आइए, अल्लाह करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले, हुस्न सलूक करने वाले बन जाएं। जिंदगी बाकी, मुलाकात।